फिर तो पैसा आने वाला है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं अंदर कभी अपना ब्लॉग नहीं करता, क्योंकि गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज डेट है 11 दिसंबर 2021। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मैं आया था अपने खेत में मूले लेने के लिए, जो कि ले लिए हैं। अब घर चलते हैं। और भाई सुबह सुबह ना खेतों में भी इतना मस्त लगता है, तो मजे आ जाते हैं। मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही, ऊपर से धूप भी मस्त निकली हुई है। तो चलते हैं अभी घर। उससे पहले यहीं पे ये नदी भी है यहाँ पे, तो इसमें मूले है ना, थोड़ी मिट्टी मिट्टी धो लेते हैं थोड़ी। ये लो मूले, इनको धो लेना एक बार। और भाई अभी खाना वाना खा लिया है और अब जा रहे हैं हम रेडगांव, मतलब मैं, दादी और बहन, उनको कुछ सामान वामान लेके आना था मार्केट से, तो चलते हैं। और यार गांव में बस एक ही दिक्कत है कि अगर हमारा कुछ छोटा मोटा कुछ भी सामान लेना है तो रेडगांव ही जाना पड़ता है। मतलब गांव में तो कोई दुकान वगैरह है नहीं, और रेडगांव भी जो है बड़ी सिटी तो है नहीं, पर जरूरत का जो है सारा सामान मिल जाता है। तो अभी जाते हैं और लेके आते हैं। क्या बोल रहे भाई? फिलहाल ये भैया आए थे अपनी वॉशिंग मशीन सुधारने के लिए, क्योंकि ये टी सीरीज की और एक साल हुआ है इसको, ये 2 बार खराब हो चुकी है साल में। अब तो नहीं खराब होगी यार? अरे यार अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। तुम एक ही खराब हो रही, दूसरी भी तो है, वो हो ही क्या? चलो ठीक है। वैसे यार भैया सर्विस में आप बहुत टाइम लगाते हो यार। सर्विस में नहीं यार, मैंने फोन किया था भैया को, मैंने कहानी बताई दिया था क्या हो गया था, तो आ ही जाता उसी दिन। चलो अब तो बढ़िया हो गई है। जरूर बताना आप लोगों को टाइम लैप्स जो है कैसे लगे, और पसंद आए हो तो लाइक कर देना वीडियो को। और अभी मैं चलता हूँ और पहले स्कॉलरशिप के फॉर्म भरा रहे हैं यानी वो पता करके आता हूँ, और अगर भरा रहे होंगे तो डाल लेंगे, और फिर तो पैसा आने वाला है। ये दुकान तो बंद हो रही है, दूसरी पे चलते हैं, नहीं तो फिर बाद में कलर पूछेंगे, देखते हैं क्या हो रहा। खड़ा हूँ, इनका काम अभी तक नहीं हुआ, और मेरे को कुछ सामान लेना होता, 10 मिनट में सामान लेके घर। चलो यार अब फाइनली घर चलते हैं, आधा काम हुआ आधा रहेगा, तो जो भी है अब चलो। भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं, और आके थोड़ी बहुत ना अपने लास्ट व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था मैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो फटाफट से जाके भाई वो वाला ब्लॉग देखो, मैंने उसमें अपनी कॉलेज के बारे में सारी चीजें बताई हैं। तो वो नहीं देखा तो फटाफट से पहले वो जाके देखो, लाइक कर देना अगर पसंद आया हो तो, और भाई चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वैसे अभी दोपहर के 3 बज रहे, और अपनी गाय जो है भाई उनको पानी पिलाने का टाइम हो गया, तो पहले उनको है ना पानी पिला देते और फिर खेत में चलते हैं। खेत में शायद कुछ रोपाई हो रही है, चलते हैं फिर। पहुंच गए अपने खेत में, पास ही में है खेत, बस घर से थोड़ी दूर, तो पैदल ही आ जाओ। और वैसे पानी बुलाया था तो पानी लेके जा रहा हूँ। और आज ना हमारे खेत में जो है वो पूजन भी है, घुंघरी पूजन। आप में से काफी लोग जो हमारे इधर रहते हैं वो जानते होंगे क्या होता है, और मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। तो चलो अभी चलते हैं। भाई यहाँ सामने से ही बैठूं? उधर से बैठे थे बगल से।
सही एक्सपीरियंस था। अब घर चलते हैं। चलो ये पूजा वूजा भी सारी कर ली है तो अब घर चलते हैं। तो हे गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल जो है हमारा ईडी का एग्जाम है तो अभी मैं उसी की तैयारी कर रहा था। तो ईडी मतलब भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब अपने से काफी लोग बोलोगे कि ईडी में क्या है, ड्राइंग तो हम ही बना ले, तो भाई ऐसा नहीं है। काफी टफ जो है ड्राइंग आती है, मतलब जो 3D में आती है तो उसको ऑर्थोग्राफिक या आइसोमेट्रिक में बनाना होता है, तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जिसको भाई समझ में आ गई वो तो कैसे भी आराम से बना ही लेगा। और बाय द वे, जिसने मेरा कल वाला जो ब्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा भाई मैंने ये पेंसिल लेके आए थे 2H और HB, तो मेरे पास दोनों 2H आ गई और वो एक भाई है उसके पास दोनों HB चले गए। तो ये चेंज करके आता हूँ और उसका एडमिट कार्ड है वो भी देके आता हूँ, क्योंकि इसके बगैर तो भाई एंट्री अंदर मिलनी नहीं है हॉल में, एग्जाम हॉल में। तो चलते हैं, अभी देके आता हूँ। मनीष, तो अभी ये लेके आ गए ये HB। अभी मैं दिखाता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है भाई HB और H में। तो जो पेपर है भाई वो काफ़ी सीरियस बनने वाला है, तो उसमें एक एक लाइन के भी नंबर मिलते हैं। तो ये जो HB है ये लाइट चलती है और 2H जो है वो डार्क चलती है, तो उसके नंबर मिलते हैं। तो ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है सारी चीज़ें। फिलहाल मैं अभी कर रहा था अपने ड्राइंग की प्रैक्टिस, तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ किस टाइप की ड्राइंग वगैरह आती है। ये देखो, ये इस टाइप का ये 3D में बना के दे देंगे और ये ऐसा आइसोमेट्रिक में बनाना है। तो इससे भाई टफ टफ भी आती है, इतनी सरल नहीं है। देखो इस टाइप से बनाना रहता है, ये इस टाइप से ये बनानी रहती। और बुक में दिखाता हूँ मैं, या ना ये सिंपल से ये क्वेश्चन दे देंगे ये वाला, और उससे फिर ये तीनों चीजें बनानी है आइसोमेट्रिक में। तो ये जितना सरल दिखता है ना भाई उतना है नहीं रियल में, मतलब समझने में बहुत समय लगता है इसको। और पेपर में ना 50 नंबर का पेपर आने वाला है और मात्र 4 क्वेश्चन आएंगे। सो गाइस, अभी बहुत हो गई पढ़ाई, अब थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। और आप लोग ये बताओ भाई, आप में से किन किन को ऐसा होता है कि पढ़ाई करने बैठे और पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा फिर भी एग्जाम के डर से पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। और थोड़ी देर घूम लेते हैं फिर कुछ देखते हैं क्या करना है। इसमें अभी अपने पुराने वाले घर आया था और यहाँ देखो पापा जी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके भाई जल्दी चेकआउट करो और ब्लॉग देखो। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं अंदर कभी अपना ब्लॉग नहीं करता, क्योंकि अंदर ना लाइट भी कम रहता है और कैमरे की क्वालिटी फिर अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं अंदर ब्लॉग नहीं करता। और ना आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं वो भी जरूर कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं जो ये बता रहा हूँ विलेज लाइफ या मतलब जो भी गांव की चीजें बता रहा हूँ वो आप लोग पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही, या आप इसमें और क्या नई चीजें देखना चाहते हो वो भी जरूर कमेंट में बताना। तो जी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।